हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया, और इसमें जो वीडियो का टाइटल है वो है 8 Killed in Gwadar। तो जी, ग्वादर में 8 लोग मारे गए हैं। तो PM जो पाकिस्तान का PM है, उनको इंडिया की हेल्प चाहिए। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। इंडिया तो ऑब्वियसली हेल्प कर ही देती है अगर कोई चीज़ उसको लगता है कि हाँ हेल्प के लायक है। अगर हेल्प के लायक नहीं है तो पता ही नहीं फिर तो क्या उनका होने वाला है। इनका फिर कोई वाली वारिस है ही नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ख़राब हैं। अगर ये अपनी हरकतें ठीक कर लें तो ऑब्वियसली इंडिया इनके साथ खड़ी हो ही जाएगी। तो जल्दी हम ये वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में अमनो अमान के हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे बलोचिस्तान की साइड पे। अभी खबर यह है कि ग्वादर में अटैक किया गया है, जिसके जिम्मेदारी BLA ने एक्सेप्ट की है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि CPAC के ऊपर काम होता हुआ बलोचिस्तान के लोग उससे नाराज नजर आते हैं। क्या रीजन है कि कभी हम अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आते हैं, कभी बलोचिस्तान में हालात इस तरीके से अटैक होने की खबरें आती हैं। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अदारे हैं, या फिर से I-2024 में भी हम यही कहेंगे कि भाई जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। पब्लिक इसके ऊपर क्या सोच रखती है, पब्लिक में कितनी अवेयरनेस आई है। डेमोक्रेसी के ऊपर भी बात करेंगे, पाकिस्तान में वाकई में डेमोक्रेसी है या नहीं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तैयब। आपका नाम? उमर खलील। क्या करते हैं भाई? मैं लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबरदस्त। और आप? MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी अच्छी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, MS कर रहे हैं। चले इस हवाले से भी बात करेंगे, पहले टॉपिक पे आते हैं। भाई मुझे ये बताएं, अभी ग्वादर पोर्ट पे अटैक हुआ है खबरों के मुताबिक, जिसमें जो उनसे कह लें कि BLA ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, बलोचिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन खराबी की तरफ क्यों जा रहे हैं? कभी BLA कोई अटैक करता है, कभी बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, और खास तौर पे CPAC को लेके क्यों नाराज हैं वहाँ के लोग? जी जी, वैसे बड़ी अफसोस की खबर है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ जिन लोगों ने ये किया है। स्टेट के अंदर इस तरह की एक्टिविटी की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, ठीक है। तो बाकी रही बात आपकी कि ग्वादर का प्रोजेक्ट है जो वो मुकम्मल क्यों नहीं होता, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक हम रोना रो रहे हैं कई सालों से कि हम यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। मतलब कि जो हुकूमतें हैं वो कायम होती हैं, वो सिर्फ मर्जी से होती हैं, अवामी मैंडेट, अवामी जो मैंडेट उसको नहीं सामने नहीं रखा जाता, सामने नहीं रखा जाता, तो मर्जी की हुकूमतें बनाई जाती हैं, तो इस वजह से भी मामलात खराब होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर उधर ग्वादर में चाइना है, ठीक है। तो चाइना की तसल्ली नहीं हो रही वहाँ के भी, ये पाकिस्तानी क्या चाह रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये शुरू हुआ प्रोजेक्ट, या उससे पहले जरदारी साहब ने भी इस पर बड़ी मेहनत की है, ठीक है। तो उन्होंने लाए, उसके बाद हमारे आते हैं इमरान खान साहब, उसमें वो आके काम खत्म, रुक जाता है। अभी फिर वो हमारी जो हुकूमत है, इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अपोजिशन इसके खिलाफ एहतजाज करेगी और इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देगी, ठीक है। तो सारी मसले की जड़ ये है कि आप किसी हुकूमत को चलने दें जिनके साथ आपका, चलो अपने पैसे हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप चीजें रोक सकते हैं। जब एक आपका इन्वेस्टर ही बाहर के मुल्क का है, वो भी चाइना है, तो वो किस तरह इसको पैसे इन्वेस्ट करेगा जब हुकूमतें बदलती हैं? क्या चाइना ने तो बकायदा बोल दिया कि भाई जब तक सिक्योरिटी हमारी क्लियर नहीं होती हम यहाँ पे काम नहीं मजीद करेंगे। इवन एक साइड पे चाइना ने ये बोल दिया, दूसरी साइड पे IMF ने ये बोल दिया कि हम CPAC के लिए आपको मजीद पैसे नहीं देंगे वहाँ पे काम करने के लिए। यानी दोनों साइड से हमारे लिए मुश्किल है। भाई आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग नाराज नजर आते हैं, कभी CPAC पे कभी ग्वादर पे अटैक होते नजर आते हैं, क्या वजह है? इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं ना, ये पंजाब में ज़्यादा हुकूमत जो हमारी आती है ना, वो मोस्टली लोग पंजाब से कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये पंजाब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये CPAC का जो पंजाब में लेके आ रहे हैं, हमारी जो बलोचिस्तान में या सिंध में ये चीज़ें उधर नहीं आ रही, फायदा ज़्यादा पंजाब को मिल रहा है, वो यही समझते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुद ही ये चीज़ें करवा रहे हैं, वो समझते हैं कि ये सारे इधर से हो रहे हैं, और इसमें राग किसकी इन्वॉल्वमेंट है, राग इन्वॉल्वमेंट को कह देते हैं कि राग ही है, और मेरा ख्याल है कि ये राग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं, और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्ज़ाम लगा दें किसी पे, जी रॉ की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। आपको लगता है कि इस टाइम पे जब अगर इंडिया की बात करें, वो ग्वादर के बिल्कुल सामने चाबहार पोर्ट बना रहा है ईरान के साथ मिलके, ठीक है,
उसे जरूरत है कि ग्वादर को डिस्टर्ब करे या कोई बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करे, उसे इवन इन्वॉल्वमेंट करने की भी जरूरत है जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है? नहीं नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को देख रहे होते हैं, ठीक है, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। हम इस चीज़ को नहीं देख रहे, हम कह रहे हैं जी हमारे साथ अमेरिका के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, इंडिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी को तो ग्रो करने की सोच नहीं रहे, उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे से ये सवाल पूछ लिया जाए या किसी से ये सवाल पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के पास इस टाइम ऐसा क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से अमेरिका भी हमारे खिलाफ, एक साइड पे हम कहते हैं अमेरिका खिलाफ है, दूसरी साइड पे आईएमएफ के पास पैसों के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं इसराइल भी हमारे खिलाफ, फिर हम कहते हैं इंडिया भी हमारे खिलाफ, हमारे पास कौन सा ऐसा खजाना छुपा पड़ा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? वो ग्वादर पोर्ट ही है हमारे पास, जो कि सेंट्रल एशिया है, जिसमें आप चाइना ने अगर आपने वो करनी है, देखें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वो यूज़ क्या करेंगे, वो ग्वादर को यूज़ करते हुए अपनी दूसरी कंट्री से चीज़ें भेजेंगे। और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि वो इस पे वो जोर कर रहे हैं कि चाइना तरक्की ना कर सके। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस टाइम प्रॉपर डेमोक्रेसी है? क्योंकि अभी साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी समिट हुआ है जिसमें पाकिस्तान को खबरों के मुताबिक इनवाइट ही नहीं किया, पहले भी दो बार हुआ उसमें पाकिस्तान नहीं गया, इवन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उधर उन्होंने जो एक मैसेज प्रॉपर वीडियो कॉल के थ्रू उन्होंने मैसेज दिया और उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की, उन्होंने अपने कल्चर की प्रॉपर जो है उन्होंने बताया है, लेकिन पाकिस्तान को अगर इन्वाइट नहीं किया गया तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है या नहीं? जी बिल्कुल, ये चीज़ें जब देखें आप किसी के साथ कोई फॉरेन पीसी पे अपने काम कर रहे होते हैं ना, वो ये चीज़ मेन पे ये बिल्कुल चीज़ अफेक्ट कर रही होती है कि आप रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपको नहीं बुलाया, इसकी रीज़न क्या है? मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि चाइना और अमेरिका की जो वार चल रही है ना, उसमें पाकिस्तान इन्फेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान उसमें नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान उठाना पड़ा। चाइना और अमेरिका की वार चल रही है, पाकिस्तान अगर लेट्स सपोज उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, इंडिया भी तो नेबर है चाइना के साथ, उसके रिलेशन उस तरीके से बेहतर नहीं है, लेकिन वो उनके साथ भी बिजनेस कर रहा है और यूएस के साथ भी बिजनेस कर रहा है, वो क्यों नहीं इफेक्ट हो? देखिए जी, चाइना ने ना हर कोई भी कंट्रीज है ना, उसने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना होता है, ठीक है, वो अगर फ्रंट एंड पे आपको दिखा रहे हैं कि वार चल रही है लेकिन बैक एंड पे क्या है, इकोनॉमी उनको अपनी ग्रोथ को अच्छी करनी है, उनको उन्हें पहुंचाना नहीं चाहते होते। इंडिया भी यही काम कर रहा है लेकिन हम अपनी इकोनॉमी पे वर्क ही नहीं कर रहे, मेन चीज ये है। बिल्कुल, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले देखना। अच्छा मुझे ये बताएं आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में और दूसरे नंबर पे क्या वजह है, नेबर हो चाहे इंडिया, नेबर हो चाहे अफगानिस्तान, नेबर हो चाहे ईरान, इवन मैं कहता हूँ नेबर हो चाहे चाइना, हमारे सब के साथ उस तरीके से रिलेशन बेहतर क्यों नहीं? हाँ, मैं पहली आपके सवाल का जवाब कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, मैं इस पे यकीन रखता हूँ, जैसी भी लूली लंगड़ी है, टूटी फूटी है, नहीं वो तो डॉक्यूमेंट्स में तो डेफिनेटली है, वो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन प्रॉपर अगर डेमोक्रेसी को डिफाइन किया जाए कि लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए गवर्नमेंट, वो है। जी जी, मैं इस बात पे भी यकीन रखता हूँ कि डॉक्यूमेंट नहीं, मैं कहता हूँ इलेक्शन हुआ है 8 मई को हुआ है, आपने वोट कास्ट किया, मैंने वोट कास्ट किया, उसके बाद हमें सारी चीज़ें हकूक हासिल हैं। इसमें तो होता है हर, आप अमेरिका में लोग आज लड़ रहे होते हैं कि वो जो अमेरिकन ड्रीम है वो अब पसे पुश डाल लिया, लोगों को तंगियां हैं, लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे, तो इस हद तक तो हर मुल्क में ये मामला होता है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी ये हो गया, लेकिन नेबर के साथ रिलेशन, हाँ ये हमारा बदकिस्मती है कि हमारे साथ जो नेबर कंट्रियाँ हैं, हमारा मोहल्ले वकूह है, इसमें हमारे मामलात लोगों के साथ ख़राब हैं। एक हमारा इंडिया के साथ तो हमने शुरू दिन से ही पता नहीं किस चीज़ का बैर है हमारा, हालांकि वो भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, हम भी आज़ाद हुए हैं, तो कोई मसला ही नहीं हमारा तो होना चाहिए था, लेकिन हमारी पॉलिसी मेकरों ने उस वक्त बनाते हुए, मतलब कि उन्होंने अमेरिका तक के साथ तो अपने तल्लुकात और इसराइल के साथ तो वाज़ेह कर लिए कि हमें, अच्छा, जिनसे जिनकी गुलामी में हम रहे उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लिए और जिनके साथ रहते रहे उनके साथ रिलेशन बेहतर नहीं किए, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? मतलब जिनकी अंग्रेजों की गुलामी में रहे, आज कौन सा ऐसा कंट्री है, इंग्लिश कंट्री है जिनके साथ हमारे रिलेशन, मतलब हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, कौन सा कंट्री है? हाँ ये बिल्कुल आपकी सही बात है, इंडिया को हम कह देते हैं दुश्मन है। हाँ आपकी बिल्कुल बात ये सही है कि हमने वो जो सात समंदर पार लोगों के साथ हमारे रिलेशन ठीक है और जिनके साथ हमारा कोई लेन देन हो सकता था, जिनके साथ हमारी ट्रेड हो सकती थी, जुबान मिलती है, जुबान मिलती है, जहाँ जमीने हैं, जो हमारे मौसम है, सो हमारा कल्चर एक है, बल्कि हमें तो वही मैं बात कहता हूँ कि हम अंग्रेजों से लहता हुए हैं, आपस में हमारी क्या लड़ाई है, ठीक है, तो हमारी बात किस्मत यह है कि हमने पॉलिसी ये तो सोचा था, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है कि हमने शुरू में क्यों ये डिसाइड कर लिया कि इंडिया हमारा मतलब कि एक एनिमी है और हमारा इसके साथ मामला नहीं चल सकते, उसके बाद हम चाइना के साथ आए, वो भी हमारा मतलब कि उसके साथ सही मामला रहे हैं, अभी सी पैक पे वो भी खराब कर रहे हैं, पिछले दिनों वाकई वो आपका ईरान ने भी बलोचिस्तान में हमला किया है, फिर अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान भी हमारे वो ये पिछले दिनों शहीद हुए हैं हमारे, अभी भी आज की भी खबर है, कल की भी खबर है, डेली बेस पे बॉर्डर के ऊपर जो इस तरह की शहीदगी चल रही है,
तो पहले हमारे भाई ने बात की कि इस पे आपने भी बात की कि इंडिया इस पे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने मामला बहुत खराब है, बाकी कंट्रियां नहीं ये इन्वॉल्व नहीं इन्वॉल्व इन। मैं समझता हूँ ये है जो स्टेट के मामला होते हैं, शायद हमारा मेरा इलम कम होगा कि मैं इसको समझ रहा हूँ। कुलभूषण यादव हमको इंडिया से दिल्ली से पकड़ के नहीं लाए थे, वो बाकायदा आके उसने कराची में मामला खराब किए हैं, सानिया सपूरा में 40-45 बंदे मारे हैं, उसमें सारे अपने एडमिट किए हैं लोगों को, ठीक है, और उसके बाद ये मामले होते हैं। अच्छा है। चले आपने बोला ठीक है ना, डिबेट का मतलब ये है कि आपकी ओपिनियन भी सामने आ जाए, मेरी ओपिनियन भी है, जिसकी जो राय है वो सामने आ जाए। उन्होंने बोला कि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, मैंने भी ये बोला कि मुझे नहीं लगता इंडिया इन्वॉल्व होगा। आपने बोला जी कुलभूषण यादव को हम दिल्ली से तो नहीं पकड़ के लाए, लेकिन हम ये क्लेम करते हैं कि हमने बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि ईरान से पकड़ा गया। और फिर बड़ी बात, लेट्स सपोज बलोचिस्तान से पकड़ा, एक मिनट मान लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम उसका केस जो है वो जीतें और सजा दें और फिर सबको बताएं कि जी भाई ये भाई साहब थे, इन्हें हमने पकड़ा और हमने, हम क्यों नहीं ये लटका क्यों देते हैं? मतलब ये देखें ना, लेट्स सपोज अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला हो जाता है, आपको लगता है कि इंडिया वाले भी मान जाएंगे हाँ यार ठीक है अब फैसला हो गया इंटरनेशनल कोर्ट में? जी जी, मैं इस बात को समझता हूँ कि जो प्रोटोकॉल है वो स्टेट ने जो बनाए वो ठीक है। इस तरह आप किसी जो भी आप गिरफ्तार पकड़ते हैं उसके बाद आपको सिपाही पकड़ते हैं तो आपको बिल्कुल वाकई वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की जरूरत, आप अपनी कंट्री के हिसाब से उसको सजाए मौत उसको फांसी दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान ने अपना एक स्टंट, अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं दे पा रहे? हाँ तो यही बात है कि करते वो, नहीं वो उस पर पाकिस्तान ने एक स्टंट खेला कि इंडिया को जिस तरह हमें बदनाम करता है वो पूरी दुनिया में, हम भी उनको करें कि ये देखें हमने सिपाही पकड़ा है। वो तो हमने कुलभूषण यादव क्या बात कर रहे हैं, हमने जो उनका अभिनंदन पकड़ा था वो हमने कोई वो कहां से पकड़ा था हमने, ठीक है अभिनंदन वो तो सबके सामने है ना, अभिनंदन वाला जो केस है वो सबके सामने है। लेकिन अगर ये दो एग्जांपल आपने दी हैं, अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर हमने तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना है, वो कहते हैं अजमल कसाब कौन है, वो कहते हैं और बहुत से ऐसे नाम लेते हैं कि कहते हैं हाफिज सईद का, अगर कहते हैं कि भाई वो हमारे उधर कश्मीर में आते हैं और जाके ये आता है, और इस तरीके से इवन वो कहता है दाऊद इब्राहिम जो उनसे पाकिस्तान में छुपा बैठा है, वो तो फिर बड़े नाम ऐसे लेते हैं, फिर हम उन्हें भी मान ले, मानना चाहिए ना फिर? मानना चाहिए क्या, जो नाम लेते हैं आपने बताया कि वो हाफिज सईद का नाम लेते हैं, आप दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हैं, ये उन्होंने कहां से पकड़े हैं? पाकिस्तान, यहां पाकिस्तान से उन्होंने पकड़े हैं या उन्होंने क्या काम किया? पाकिस्तान में मौजूद नहीं, हां तो मौजूद है तो उन्होंने इंडिया में क्या किया है? अच्छा उसामा बिन लादन कहां से पकड़ा गया? कहां से? वो एब्टाबाद से पकड़ा गया, पाकिस्तान से। वो एक उसके पीछे वो इंडिया का उसके मसला था, वो तो अमेरिका का मसला था, अमेरिका का नहीं वो तो पूरी दुनिया का मसला था उसामा बिन लादन। आपको लगता है सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान का मसला था, क्योंकि मोस्ट वांटेड, वर्ल्ड मोस्ट वांटेड था उसामा बिन लादन। देखिए कि अगर आप उसामा बिन लादन की बात करें ना तो उसका लेटर वर्ल्ड 9/11 से ही था, ठीक है, और वही मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया आप इसमें पूरी दुनिया को पूरी वर्ल्ड को इन्वॉल्व करेंगे, आप सिर्फ इसको यही रखें कि पाकिस्तान अमेरिका का मसला था, ठीक हो गया। लेकिन इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो सिंबल था उसामा बिन लादन, इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट का, टेररिज्म का। देखिए कि हम मानते हैं कि जो अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, जो उधर से स्टेटमेंट आ गई है वो पूरी दुनिया का मसला बन चुका है, हम ये मानते हैं, लेकिन ऐसा बेसिकली नहीं है, ठीक है, मैं समझता हूँ कैसा। अच्छा क्या आप समझते हैं, चलें ये भी मान ली बात कि भाई लेट्स सपोज। तो जी वीडियो तो ये काफी अच्छी है, इसका एक और पार्ट मैं लेके आऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है पूरी इंटरेस्टिंग है, अगर एक वीडियो करूंगी तो काफी लंबी हो जाएगी। मैं टाइम नोट कर लेती हूँ, इसका है अब इधर से ही मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा, ओसामा की बातें चल गया तो वैसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो इनका मानना है कि अगर अभिनंदन वहाँ पहुँच गए तो उसको मार डालो और ओसामा वहाँ से मिला है तो वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। मतलब अगर इंडिया का कोई बंदा नॉर्मली भी वहाँ पहुँच जाता है कैसे भी करके तो वो तो ख़तरनाक है, और आप लोगों के इतने बंदे हैं इंडिया में कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, टेररिज्म आप लोग फैला रहे हो, वो कुछ नहीं है। अरे यार तुम क्यों गालियां खाने के काम करते हो, इंडिया की पब्लिक जो आपको एक एक भी गाली देगी ना, अब तुम सारा पाकिस्तान डूब जाओगे गालियों के बीच में, क्यों तुम ऐसी हरकतें करते हो कि तुम्हें गालियां पड़े, कोई तो ढंग का काम कर लो यार, तुम्हारे लीडर्स तो हैं ही हैं ऐसे, तुम भी ऐसे बनते जा रहे हो, मोटी बुद्धि क्यों हो क्या? ये लॉयर है बता, प्रैक्टिस कर रहे लॉयर की क्या प्रैक्टिस भाई, तू क्या केस लड़ता होगा जिसको इतनी भी नॉलेज नहीं है? मतलब आंखों पर पट्टी बांधी हुई कि मैं पाकिस्तान को, तो आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान से डूब के मर जाए कुछ भी कर ले। लेकिन एक बात तो इसने भी सही कि मुझे नहीं पता लग रहा कि इंडिया और पाकिस्तान मसला क्या है, शुरू दिन से पैर बंधा के बैठे हैं, तो उसका मसला ये है टेररिज्म जो कि पाकिस्तान की तरफ से है, इंडिया की तरफ से नहीं है, तो अपना टेररिज्म खत्म करें और फिर देखें कि इंडिया अच्छे से रहेगी, इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। तो मुझे ये वीडियो अच्छी लगी, आप लोग कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।